खरीदे किसान बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बारिश का अनुमान, तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बरसेंगे बादल। रविवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में चलेंगी तेज हवाएं, वहीं दो दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज हवाओं के आसार। तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान रहा 36.3 डिग्री, पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि दो दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तेज बरसात का तो अनुमान है ही, साथ ही साथ बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं भी इन इलाकों में चल सकती हैं आगे आने वाले दो दिनों के दौरान। वहीं बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश में रविवार को इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आगे आने वाले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में तो रविवार को उत्तराखंड में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो बिजली चमकने के साथ यहां कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों की, तो खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो रविवार को यहां बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और वहीं रविवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, इन इलाकों में बिजली चमक सकती है और साथ ही साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको, शनिवार और रविवार को उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही पूर्वी भारत की हम बात करें तो यहां पर फिलहाल बरसात नहीं होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं कुछ एक इलाकों में। साथ ही दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आगे आने वाले दो दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट जरिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। दो दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर पानी बरस सकता है। इसी तरह रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार को कुछ जगह बादल बरस सकते हैं, साथ ही रविवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में पानी बरसेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश के आसार नहीं है। दो दिन पूर्वी पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा। उपमाल पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन बारिश नहीं होगी, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा दो दिन असम और मेघालय में भी बादल नहीं बरसेंगे। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज के कई इलाकों में बारिश नहीं होगी।
मध्य भारत की बात करें तो रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दो दिन बारिश के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में दो दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश के आसार नहीं है। साथ ही कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी दो दिन बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो दो दिन तक आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है, जबकि तेलंगाना में दो दिन बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में दो दिन कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि दो दिन उत्तरी आंचल कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। दो दिन तटीय और दक्षिणी आंचल कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही केरल और लक्षद्वीप में भी दो दिन कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। दो दिन अंडमान निकोबार में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखा अभी आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले दो दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां पानी बरस सकता है और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां पानी बरसा और कहां तेज हवाएं चली। बात करेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहां कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी अधिकतर स्थानों पर बरसात हुई। बता दें तमिलनाडु और पुदुचेरी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई। दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में इक्का दुक्का जगहों पर पानी बरसा तो केरल में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ बात करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश की तो बता दें आपको यहां भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही तमिलनाडु पुदुचेरी में भी तेज हवाएं दर्ज की गई। केरल के इक्का दुक्का इलाकों में भी तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने कैसा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर का मौसम का हाल, किन इलाकों में बादल बरसे और कहां कहां तेज हवाएं दर्ज की गई। इसी के साथ अब आपको बता देते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको नागालैंड में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही केरल के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं बिहार की हम बात करते हैं तो यहां के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और वहीं इसके विपरीत हरियाणा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। और इसके साथ ही आपको बता दें पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। और इसके साथ ही बात करेंगे देश के मैदानी इलाकों में कहां सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया तो बता दें ये रहा तटीय कर्नाटक में। तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कैसा रहा अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बात करेंगे यहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश की। बता दें कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। जी हाँ, यहां पर 5 डिग्री तक की गिरावट रही। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। और वहीं झारखंड की बात करें तो कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। बता दें आपको गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहां पर पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग इलाकों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान का हाल। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें चने की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन पर विशेषज्ञ देंगे जवाब।
से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी हम खासतौर पर आपको बताएंगे उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के हाल के बारे में। जी हां, अभी हमने जाना कि इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हां, मूसलाधार बरसात हो सकती है कुछ एक इलाकों में, और साथ ही साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यहां के जो हमारे किसान हैं वो कुछ खास बातों को ध्यान में रखते हुए ही खेती किसानी के कार्य करें, जिससे न केवल वो अपनी फसलों को सुरक्षित बनाए रख सकें बल्कि अगर वो नई फसलों का बुआई या रोपाई का काम करने वाले हैं तो उसके लिए भी वो सतर्क रहें और सावधानियां जरूर बरतें। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए, बरसात और तेज हवाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के जो हमारे किसान हैं इस समय किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये समय फसलों की कटाई के लिए अहम है, वहीं बुआई और रोपाई के लिए भी बेहद खास है। ऐसे में किसान बिना समय बर्बाद किए फसल की कटाई के बाद नई फसलों की बुआई का काम करें। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम 29 अप्रैल की रोपाई का काम करें, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जगह आलू की रोपाई के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी, साथ ही उत्तराखंड के तराई इलाके में देर से बोई गई धान और उड़द की कटाई का काम जल्दी पूरा कर लें। उत्तराखंड के किसान इस महीने के दौरान सरसों और गेहूं की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में ही इन दिनों आलू की रोपाई जारी रखें, अलसी की बुआई पूरी करें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बुआई और दलहनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सलाह है कि वो रबी के चारे की बुआई का काम समय पर पूरा कर लें, और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में बरसी सरसों और गेहूं की बुआई का काम पूरा करें। जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके में इन दिनों गेहूं, चना, मटर और मसूर की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान सर्दियों के आलू की रोपाई भी करते रहें और सरसों की बुआई का काम पूरा करें। बुआई के लिए उचित मात्रा में उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करें। आलू की रोपाई और गेहूं की बुआई के लिए पहले खेतों की साफ सफाई करें, उसके बाद अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी न हो तो पलेवा कर लें। जब पानी सूख जाए तो बुआई लायक हल्की नमी मिट्टी में रहे तो खेत की अच्छे से जुताई करें। जरूरत पड़ने पर खेत की 2 से 3 बार जुताई कर लें ताकि मिट्टी मुलायम और ज्यादा उपजाऊ हो जाए। गेहूं और सरसों की बुआई कतारों में करना ज्यादा उचित रहेगा। बुआई के समय सभी कतारों की उचित दूरी का ध्यान रखें। इसी तरह मटर की बुआई से पहले भी 2 से 3 बार खेत की जुताई करें। मटर की बुआई नवंबर महीने के अंत तक जरूर पूरी कर लें। कश्मीर घाटी में सरसों, जई, बरसीम, मटर और गेहूं की बुआई करते रहें। 140 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जई की बुआई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के घाटी वाले इलाके में प्याज और लहसुन की रोपाई का काम भी किसान कर सकते हैं। तो कई फसलें हैं जिनकी बुआई और रोपाई के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे जो किसान हैं अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही फसलों का चयन करें और उनके लिए जो अनुमोदित किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उन्हीं का चुनाव करें, क्योंकि जलवायु के अनुसार ही अगर किस्मों का चयन किया जाएगा तो अच्छी बढ़वार जरूर मिल पाएगी, अच्छी उपज आपको जरूर मिलेगी। तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के किसान इस समय किस तरह से अपने खेतों में कार्य कर सकते हैं, बुआई रोपाई का कार्य कर सकते हैं, अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे, और हम लगातार बताते रहते हैं कि ये जो मौसम है ये कई फसलों की बुआई और रोपाई के लिए बिल्कुल सही चल रहा है, और अगर समय से थोड़ा पहले या फिर समय के थोड़ा पश्चात बुआई करते हैं तो अधिक लाभ मिल सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि वैज्ञानिकों की सलाह आप लेते रहें। जैसे अभी के मौसम की हम बात करें तो चने की आप बुआई कर सकते हैं, खासतौर पर पछेती चने की बुआई के लिए यह सही समय है, लेकिन आपको उन्हीं किस्मों का चुनाव करना
किस्माना है जो इसके लिए तैयार की गई है, यानी कि पछेती चने की बुआई के लिए जो किस्में तैयार की गई है आपको उन्हीं का चयन करना है अपने क्षेत्र के अनुसार। तो कौन सी है वो किस्में, किस तरह से आपको इसके लिए खेत तैयार करना है, किस तरह से आपको देखभाल करनी है, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है वहां एक हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बरानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद दो सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंकुमारी रोग होने का खतरा बना रहता है। बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर लें। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर लें। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर एक हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। तो रिपोर्ट के जरिए आपने जान लिया पछेती चने की आप बुआई कर सकते हैं, कौन सी किस्में हैं, किस तरह से आपको खेत की तैयारी करनी है और बुआई से पहले बीज उपचार बेहद जरूरी है क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी अच्छी बनी रहती है हमारी फसलों की। और किस तरह से आपको पूरी तरह से अपनी खेती के दौरान कार्य करने हैं आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। हम उम्मीद करते हैं कि इसी के अनुसार आप इसकी खेती करेंगे और अच्छी उपज हासिल करेंगे। बढ़ते हैं आगे, मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें अब आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी पंजाब के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि तैयार धान की बुआई भी की जा सकती है, इसके लिए आप उन्नत किस्मों का चयन करें। वहीं हरियाणा में भी आलू की बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल समय चल रहा है ये। साथ ही हरियाणा में उन्नत किस्म की गोभी का चयन कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं किसान। तो वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो यहां पर गेहूं की बुआई का काम हमारे किसान कर सकते हैं। वहीं खेतों में पर्याप्त नमी को देखते हुए ही समय पर गेहूं की बुआई का कार्य कर लें। साथ ही दिल्ली के पास के इलाकों में जल्दी से जल्दी आलू की रोपाई का कार्य पूरा कर लें किसान। तो ये थी तमाम मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्या है आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञ हैं। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टर से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दे दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। बता दें कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में किसान सरसों की बुआई का कार्य कर सकते हैं, इसे जारी रखें किसान। छत्तीसगढ़ के ही मैदानी हिस्सों में आलू, तुरई, मटर और चने की बुआई का कार्य कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में रबी की फसलें बोने का काम तुरंत ही कर लें। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में भी रबी की बुआई कर सकते हैं किसान, इसके लिए भी जल्द से तैयारी कर लें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में लहसुन, मटर, सरसों की बुआई का कार्य कर लें किसान। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी हिस्सों में चना और आलू भी बो सकते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पठारी इलाकों में रबी की मूंग और मसूर की बुआई करें। तो छत्तीसगढ़ के किसान इस समय कुसुम की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में केले और पपीते की रोपाई करते रहें किसान। छत्तीसगढ़ में ही इन दिनों प्याज की रोपाई भी की जा सकती है, इसके लिए भी आप तैयारियां कर सकते हैं। वहीं गुलदाउदी और ग्लैडियोलस की रोपाई के लिए भी मौसम बिल्कुल अनुकूल है, आप इसका भी चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान जल्द ही तैयार अरहर की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बरसात हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही शनिवार और रविवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही बता दें आगे आने वाले दो दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में रविवार को इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें कि आगे आने वाले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में और रविवार को उत्तराखंड में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रविवार को बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें रविवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए नौ शहरों के तापमान पर। इसके साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।